हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करा था। चैप्टर का नेम है केचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व। लास्ट वीडियो में हमने केचुए के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी बाह्य संरचना के बारे में, उसके आवास के बारे में, कितने खंड होते हैं, कौन कौन से खंडों में क्या क्या पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि बाह्य रूप से अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। अब हम उसकी आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे, ठीक है। आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आंतरिक संरचना की हम बात करें तो उसमें आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, उसका श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र और पाचन तंत्र, इन सभी तंत्रों से मिलकर उसका शरीर बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मानव का शरीर है, मानव के शरीर में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, जिसके अनुसार शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बात आती है श्वसन कहते किसे हैं। श्वसन सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो हम कहते हैं CO2 को छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और इसकी परिभाषा अगर श्वसन की हम वैज्ञानिक तौर पर इसकी परिभाषा दें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से सरल कार्बनिक पदार्थों का बनना और उस ऊर्जा का निर्माण होना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो मानव में तो श्वसन अंग पाए जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केचुए की। केचुए में किसी भी प्रकार का विशेष श्वसन अंग नहीं पाया जाता। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन अंग है, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन केचुए में किसी भी प्रकार का कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। श्वसन अंगों का अभाव होने के कारण इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जा रहा है। इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो उसकी त्वचा द्वारा की जाती है। केचुए की जो बाह्य त्वचा है उसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। त्वचा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान यानी कि CO2 को लेना, CO2 को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग नहीं होने के कारण किसी प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं होगा। श्वसन तंत्र नहीं है तो इसके श्वसन का कार्य कौन कर रही है, इसकी त्वचा। त्वचा भी किस प्रकार करेगी, गैसों का आदान प्रदान करेगी। गैसों का विनिमय होगा किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होगा, विसरण विधि द्वारा। इसकी जो त्वचा होती है वो पतली होती है, थोड़ी इसमें नमी होती है और इसमें रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो रुधिर कोशिकाएं हैं इनमें RBC नहीं पाई जाती, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का इनमें अभाव होता है। लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होने के कारण इनका रुधिर का जो प्लाज्मा होता है उसी में ऑक्सीजन और CO2 घुलती है। यानी कि सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन घुलेगी, ऑक्सीजन घुलने के बाद वो शरीर के अंगों तक पहुंचाई जाएगी, शरीर के अंगों से ऑक्सीजन दी जाएगी और CO2 वहाँ से ली जाएगी, फिर रक्त प्लाज्मा में दोबारा से CO2 घुलती है और वही CO2 शरीर से त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। RBC नहीं है इसमें, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें प्लाज्मा में घुलित अवस्था में उपस्थित होता है और यही हीमोग्लोबिन O2 को शरीर के ऊतकों तक यानी शरीर के भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, केचुए के श्वसन तंत्र के बारे में। अब इसको एक बार राइट डाउन करके देख लेंगे हम। हमने पहले कहा कि इसमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है, इसमें कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता। तो हम लिखेंगे इसमें श्वसन अंगों का अभाव होता है, अर्थात श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, इसमें श्वसन का कार्य
इसमें श्वसन का कार्य त्वचा द्वारा होता है, त्वचा द्वारा होता है। श्वसन का कार्य त्वचा द्वारा होता है। इसकी त्वचा पतली, नम व रुधिर कोशिकाओं से पूर्ण होती है। इसकी त्वचा पतली, नम व रुधिर कोशिकाओं से पूर्ण होती है। इसमें गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। जैसे ही इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, त्वचा द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर के अंदर, बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। ठीक है, गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा में घुलकर शरीर के भागों तक पहुंचाई जाती है। CO2 भी रक्त प्लाज्मा में घुलकर शरीर से बाहर निकाली जाती है। इसमें RBC का अभाव होता है। तथा हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। हमने बात करी, सबसे पहले हमने कहा इसमें श्वसन अंगों का अभाव होता है, अर्थात श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें श्वसन का कार्य त्वचा द्वारा होता है। इसकी त्वचा पतली, नम व रुधिर कोशिकाओं से पूर्ण होती है। इसमें गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा में घुलकर शरीर के भागों तक पहुंचाई जाती है।
CO2 भी रक्त प्लाज्मा में घुलकर शरीर से बाहर निकाली जाती है। इसमें RBC का अभाव होता है तथा हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। तो ये हमने बात करी उसके श्वसन तंत्र के बारे में। कोई विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं है तो उसमें तंत्र का निर्माण नहीं हो रहा, तंत्र नहीं है तो इसकी कोई ज़्यादा लंबी कोई प्रक्रिया नहीं है, छोटी सी प्रक्रिया है तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में। देखिए परिसंचरण तंत्र, रुधिर का परिसंचरण तंत्र इसमें किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसमें क्या क्या वाहिनी वाहिकाओं द्वारा होगा, खुला होगा, बंद होगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, या तो वो खुला होगा, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा, या फिर वो बंद परिसंचरण तंत्र होगा। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें रक्त बिना रक्त वाहिनियों के बहता है उसे हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। और जिसमें रक्त वाहिनिकाओं द्वारा बहता है उसे हम क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो केचुआ होता है उसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का सुविकसित होता है, यानी कि उसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है और उन्हीं में रक्त बहता है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में कि इसमें RBC का तो अभाव होता है, RBC का अभाव होने के कारण हीमोग्लोबिन होता है जो इसकी इसमें पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। तो इसका रक्त जो है वो चमकीले रंग का होगा, लाल रंग का होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्णक तो उपस्थित है उसमें। ठीक है, अब हम बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो बंद प्रकार का यानी कि किसके द्वारा होगा, रक्त वाहिनियों द्वारा। रक्त वाहिनियों इसमें तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य रक्त वाहिनी, अनुप्रस्थ और आंत्र जालिका। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य की, तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवत, यानी कि अगर केचुए को हम सामने खड़ा करें तो उसके लंबवत जितनी भी रुधिर वाहिनियाँ पाई जा रही हैं वो तो उसकी कौन सी वाहिनियाँ होंगी, अनुदैर्ध्य होंगी। ठीक है, और अनुप्रस्थ की अगर बात करें तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है उसके पार्श्व भाग से, यानी कि अगर केचुए को सीधा खड़ा करें तो इधर ऐसे इस तरीके से जो उसमें वाहिनियाँ उपस्थित होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, ये तीनों वाहिनियाँ मिलकर इसका रुधिर का परिसंचरण करती हैं और इसका परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये देखिए ये डायग्राम है केचुए का, आंतरिक संरचना है केचुए की। ठीक है, अब इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसे होगा देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था केचुए का शरीर जो होता है पूर्णतः खंडों में बटा हुआ होता है, खंड है उसमें, उसका पूरा शरीर खंडों में बटा हुआ है। तो उसका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हम खंडों के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों की, तो वो होती है पृष्ठवाहिका, अधरवाहिका, पार्श्व दसिका वाहिका, अध स्वतंत्रिका वाहिका और अधि जठर वाहिका। ये चारों क्या हैं इसकी, ये इसकी अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियाँ हैं। फिर बात करें अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ में आती हैं पार्श्व हृदय, पार्श्वग्रसिका हृदय, पार्श्वग्रसिका हृदय के बाद अग्रपाश के बाद अध स्वतक वाहिका। फिर ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, इसके संघाई वाहिका, अधर आंत्र तंत्रिका, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, इसके अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, सबसे पहले मेन जो बात है वो ये है कि जो रुधिर का परिसंचरण तंत्र का है, रुधिर का जो परिसंचरण तंत्र है, रुधिर का जो मेन जो संचरण होगा वो पृष्ठवाहिका और अधरवाहिका के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, पृष्ठवाहिका और अधरवाहिका के द्वारा। जब हमने केचुए की संरचना पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि केचुए की दो सतह होती है, पृष्ठ सतह और उसकी अधर सतह। पृष्ठ सतह की हम पहचान किसके द्वारा करते हैं, रुधिर वाहिनी के द्वारा ही हमने इसकी पृष्ठ सतह की पहचान की थी, यानी कि इसकी पृष्ठ सतह और अधर सतह का हमने किसके द्वारा पता लगाया था, उसकी रुधिर वाहिनी के द्वारा हमने पता लगाया था। मैंने आपको बताया था केचुए का शरीर जो होता है वो देहगुहे है, यानी कि इसमें गुहा पाई जाती है। देहगुहे का मतलब क्या होता है, इसमें गुहा पाई जाती है और उसी गुहा में इसका शरीर सारा श्वसन तंत्र है वो सब इसी गुहा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो केचुए की जो आहार नाल होगी, किसकी होगी, आहार नाल, उसके ऊपर की ओर तो उसकी पृष्ठ सतह होगी यानी इसकी पृष्ठवाहिकाएं पाई जाएंगी, और केचुए की आहार नाल के नीचे
और उसके तंत्रिका रज्जु के नीचे क्या पाए जाएंगी, उसकी अदर वाहिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, पृष्ठवाहिका जो होती है उसमें रुधिर का संचरण जो है वो पीछे से आगे की ओर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पृष्ठवाहिका है, ये क्या है, पृष्ठवाहिका। इसमें क्या होगा, रुधिर का जो संचरण होगा वो पीछे से आगे की ओर होगा। किस तरफ होगा, पीछे से आगे की ओर। ठीक है, और जो इसकी अदर वाहिका है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है इसकी अदर वाहिका है, इसमें जो रुधिर का संचरण होगा वो आगे से पीछे की ओर होगा। किस ओर होगा, आगे से पीछे की ओर, यानी कि हम तीर के निशान से उसको दर्शा सकते हैं। किस प्रकार से उसमें संचरण होगा, पृष्ठवाहिका भी तो किस तरीके से होता है, पीछे से आगे की ओर, और अधर वाहिका भी किस तरीके से होगा, आगे से पीछे की ओर। इस तरीके से उसमें रुधिर का परिसंचरण होता है। फिर बात करें हृदय की, तो इसमें चार जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। मानव शरीर में तो एक ही हृदय होता है, लेकिन इसमें हृदय कितने होते हैं, चार जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। दो हृदय जिनके हम पार्श्व हृदय कहते हैं वो सातवें खंड में और नवें खंड में पाए जाते हैं। बाकी के दो हृदय जो पार्श्व ग्रसिका हृदय कहलाते हैं वो बारहवें और तेरहवें खंड में पाए जाते हैं। ये दोनों हृदय होते हैं, ये कपाट युक्त होते हैं, यानी कि इनमें कपाट पाए जाते हैं जो कि रुधिर को क्या करेंगे, दोबारा जाने से या ज्यादा आने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पृष्ठवाहिका, अदर वाहिका, पार्श्व ग्रसिका वाहिका, इनके पहचान कैसे कर रहे हैं हम, कि ये जो ये कैसी होंगी, लंबवत है। केंचुए के कैसे हैं, लंबवत, यानी कि जितनी भी आपको ये वाहिनियां ऐसे दिखाई दे रही हैं जो लंबवत जा रही हैं वो तो कैसी है, अनुतैदरीय रुधिर वाहिनी। और जो वाहिनियां ऐसी हैं जो इस तरीके से हमको दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वो कैसी वाहिनियां हैं, अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनी। ठीक है, तो ये केंचुए का हमने क्या पढ़ा, चित्र पढ़ा। चित्र के आधार पर हमने बताया कौन कौन सी वाहिनियां हैं, किस किस खंड में पाई जा रही हैं, और अब हम इनका क्या पढ़ेंगे कि अब हम इनको लिखेंगे, एक बार राइट डाउन कर लेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी वाहिकाएं होती हैं। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी अनुदैर्ध्य हैं, कौन कौन सी अनुप्रस्थ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके उनका वर्णन पढ़ेंगे। एक बार आप, मैं जब भी आपको बोलूं कि आप लोग इसके नोट डाउन कर लीजिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा आप इसको बाद में अपने आराम से बैठ के नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जैसे ही मैं इसको बोलती हूँ नोट डाउन करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और इसको बाद में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र देखा डायग्राम के थ्रू कि कैसे होता है। अब हम रुधिर वाहिनियों के बारे में एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रुधिर वाहिनियाँ बताई है आपको। ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य रक्त वाहिनियाँ, अनुप्रस्थ पार्श्वीय या पार्श्वीय रुधिर वाहिका है, तीसरा है आंत्र जालिका है। अनुदैर्ध्य रक्त वाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, अनुप्रस्थ को बोलेंगे लेटरल ब्लड वेसल्स, आंत्र जालिका को बोलेंगे इंटेस्टिनियल टेक्सल्स। ठीक है, अब हम बात करें अनुदैर्ध्य रक्त वाहिनियों की, तो इनके कितने प्रकार हैं, पांच प्रकार है। पहला है पृष्ठवाहिका, जिसे बोलते हैं डॉर्सल वेसल, वी का मतलब वेसल से है। अदर वाहिका जिसे बोलते हैं वेंट्रल वेसल, पार्श्व ग्रसिका वाहिका जिसे बोलते हैं लैटरल ईसोफेगल वेसल, अध्यस्तंत्रिका वाहिका जिसे बोलते हैं सब न्यूरल वेसल्स, अधिजठर वाहिका जिसे बोलते हैं सुप्रा गैस्ट्रिक वेसल। ये तो थी अनुदैर्ध्य रक्त वाहिनियां। अब हम बात करें अनुप्रस्थ या पार्श्व रुधिर वाहिनियों की, तो इसमें आता है हृदय। हृदय भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का, पार्श्व हृदय यानी कि लेटरल हार्ट, सेकेंड है पार्श्व ग्रसिका हृदय, इसको बोलते हैं लेट्रो इसोफेगल हार्ट। ठीक है, फिर है अग्रपाश, इसे बोलते हैं एंटीरियर लूब, पृष्ठ आंत्रवाहिका डॉर्सो इंटेस्टिनल वेसल्स, अधर आंत्रवाहिका वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल, संधाई वाहिका इसको बोलते हैं कमर्शियल वेसल, और आंत्रजालिका में तो केवल आंत्रजालिका ही आती है, इसे बोलते हैं इंटेस्टिनल टेक्सल्स। अब हमने पढ़ा कि इसमें तीन प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं। बंद प्रकार का परिसंचरण है, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ही होगा। ठीक है, रुधिर कैसा होता है, इसका चमकीले लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। अच्छा, रुधिर का क्या कार्य होता है, रुधिर का एक कार्य है ऑक्सीजन CO2
भोजन, यूरिया जो भी है उसका क्या करना, संचरण करना। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना, CO2 है CO2 को अंगों से लाकर बाहर निकालना, भोजन है भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाना, ये सभी कार्य कौन करेगा, रक्त करेगा, ठीक है, रुधिर ही करेगा। और किसके द्वारा करेगा, रुधिर वाहिनियों के द्वारा। तो ये सब रुधिर वाहिनियाँ हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इनका एक एक का वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पृष्ठवाहिका, इसे बोलते हैं डॉर्सल वेसल। मैंने आपको भी बताया था, यह आहार नाल के ऊपर स्थित होती है। किस तरफ स्थित होगी, यह आहार नाल के ऊपर। पृष्ठवाहिका है यानी कि पृष्ठ सतह पर स्थित होगी। पृष्ठ अवस्था में मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, यानी कि यह प्रथम खंड से लेकर और अंतिम खंड तक पाई जाती है। इसमें कपाट पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कपाट होंगे, ठीक है। इसमें रुधिर पीछे से आगे की ओर प्रभावित होता है। मैंने आपको भी चित्र में भी बताया था, रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, पीछे से आगे की ओर। इसके शुरू के जो 13 खंड हैं वो तो रक्त संग्रह का कार्य करेंगे। अब 13 से बाद यानी कि 14 से लेकर और अंतिम खंड तक है वो परिसंचरण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अधरवाहिका यानी वेंट्रल वेसल। यह आहार नाल के नीचे तथा तंत्रिका रज्जु के ऊपर द्वितीय खंड से, ये प्रथम खंड से शुरुआत नहीं होती इसकी, इसकी शुरुआत होती है द्वितीय खंड से, और कहाँ तक फैली हुई होगी, अंतिम खंड तक पाई जाती है। इसमें कपाट का अभाव होता है, किसी प्रकार के कोई कपाट इसमें नहीं पाए जाते। इसमें रुधिर आगे से पीछे की ओर प्रवाहित होता है, यानी कि आगे से पीछे की ओर इसमें रुधिर का प्रवाह होगा। फिर बात करें पार्श्वदर्शिका वाहिनी की, तो ये दो वाहिकाएं होती हैं, यानी कि दो होंगी ये वाहिकाएं हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, दो, जो कि प्रथम 13 खंडों में आहार नाल के दोनों ओर स्थित रहकर रक्त संग्रह का कार्य करती है। यानी कि शुरू से प्रथम खंड से लेकर और 13वें खंड तक इसमें क्या पाई जाएंगी, दोनों तरफ पाई जाएंगी, यानी कि ऊपर भी होंगी और नीचे की ओर भी होंगी, और किसका कार्य करेंगी, रक्त संग्रह का कार्य करेंगी। फिर है अध्यस्त तंत्रिका वाहिका। यह अधर तंत्रिका रज्जु के नीचे 14वें खंड से अंतिम खंड तक पाई जाती है। ये कहाँ से शुरू होती है, 14वें खंड से, कहाँ से शुरू होती है, 14वें खंड से और अंतिम खंड तक पाई जाती है। फिर है अधिजठर वाहिका। यह 9वें खंड से 13वें खंड तक पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 9वें खंड से 13वें खंड तक पाई जाती है। तो ये जो पांचों हैं ये है अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो अब तक हमने अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों के बारे में। सबसे पहले आता है हृदय। मैंने आपको बताया अभी, हृदय दो प्रकार का होता है, पार्श्व हृदय और पार्श्व ग्रसिका हृदय। पार्श्व हृदय जो है तो उसमें दो जोड़ी हृदय होते हैं, ठीक है। प्रथम जोड़ी होती है वो 7वें खंड में, और जो दूसरी जोड़ी होती है वो 9वें खंड में पाई जाती है, ठीक है। जो इसमें 4 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक जोड़ी में 2 कपाट पाए जाएंगे। इनके द्वारा रक्त पृष्ठ वाहिनी से अधर वाहिनी में प्रवेश करता है, यानी कि ये जो हृदय है इसका कार्य क्या है, रुधिर को पृष्ठ वाहिनी से अधर वाहिनी में प्रवेश करवाना। फिर बात करें पार्श्व ग्रसिका हृदय की, ये भी 2 जोड़ी होते हैं। प्रथम जोड़ी होती है वो 12वें खंड में होती है, और दूसरी जोड़ी होती है वो 13वें खंड में पाई जाती है, ठीक है। इनमें 3 जोड़ी कपाट पाया जाता है। इसमें तो 4 जोड़ी होते हैं, लेकिन इसमें कितने कपाट होते हैं, 3 जोड़ी कपाट होते हैं। इनके द्वारा रक्त अधिजठर व पृष्ठवाहिनी से अधर वाहिनी में प्रवेश करता है। इसमें केवल पृष्ठवाहिनी से अधर वाहिनी में प्रवेश कर रहा था, इसमें किसके इसमें अधिजठर भी शामिल है। अधिजठर व पृष्ठवाहिनी से अधर वाहिनी में प्रवेश करता है। ये तो बात हुई हमारे केचुए के हृदय के बारे में। अब बात करें अग्रपाश, ये क्या होते हैं, ये भी जो 2 जोड़ी में पाए जाते हैं। एक जोड़ी वो 10वें खंड में पाई जाती है, और दूसरी जोड़ी 11वें खंड में पाई जाती है। ये क्या कार्य करेगी, यह पार्श्वग्रसिका वाहिनी को, पार्श्वग्रसिका वाहिनी जो कि अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनी है, को अधिजठर वाहिका से जोड़ती है। क्या करती है, यह पार्श्वग्रसिका वाहिनी को अधिजठर वाहिका से जोड़ने का कार्य करती है। फिर बात करें पृष्ठ आंत्रवाहिका की,
ये वाहिकाएं 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होती है, यानी कि 13वें खंड के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, यह रुधिर को आंत्र भित्ति से, कौन सी भित्ति से, आंत्र भित्ति से पृष्ठवाहिका में पहुंचाती है। रुधिर को कहां से, आंत्र भित्ति से पृष्ठवाहिका में पहुंचाने का कार्य करें। फिर बात करें अदर आंत्रवाहिका की, देखो पृष्ठवाहिका, पृष्ठ में आंत्र वाहिका थी तो पृष्ठवाहिका में पहुंचाया। अब बात करें अंतर अदर आंत्रवाहिका की, तो 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होंगी। रुधिर को अधर वाहिनी से आंत्र भित्ति में ले जाती है, ये क्या कार्य करती है, अधर वाहिनी से रुधिर को किस में लेके जाती है, आंत्र भित्ति में ले जाती है। फिर बात करें संधाई वाहिका की, 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में पाई जाती है, प्रत्येक खंड में पाई जाएगी। रुधिर को अध्यस्त तंत्रिका वाहिका से पृष्ठवाहिका में ले जाने का कार्य करती है, ये भी क्या कार्य कर रही है, पृष्ठवाहिका में रुधिर को ले जाने का कार्य कर रही है। तो ये तो सारी कौन सी वाहिका है, अनुप्रस्थ रुधिर वाहिका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंत्र जालिकाओं की, वो एक टॉपिक और रह गया है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब थर्ड है आंत्र जालिका है, आंत्र जालिका होती है वो दो होती है, एक तो होती है बाह्य जालिका और एक होती है अंतर जालिका। ठीक है, रुधिर केशिकाओं, केशिकाएं दो जालिकाओं में व्यवस्थित रहती हैं, इन्हीं में रुधिर केशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। बाह्य जालिका जो होती है वो आहार नाल की सतह पर पाई जाती है, और जो अंतर जालिका होती है आंत्र द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को पृष्ठ आंत्र वाहिनियों द्वारा पृष्ठवाहिका में पहुँचाती है। तो ये होती है आंत्र जालिकाएं। तो हमने तीनों रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उसके रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे के चैप्टर्स में अगला सिस्टम हम पढ़ेंगे। थैंक यू।